राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए पहला प्रौद्योगिकी सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग के दूरदर्शी शोधकर्ताओं और उद्यमियों समेत 400 से अधिक उद्योगों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन अतिथि श्री अरुण बरोका, सचिव रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग भारत सरकार की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुश्री मर्सी एपाओ, संयुक्त सचिव MSME मंत्रालय भारत सरकार समेत AIPMA के अध्यक्ष श्री मयूर डी शाह, अरविंद मेहता अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिलिंग AIPMA समेत तमाम उद्योग जगत के गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय सचिव बरोका ने सरकार की उन नीतियों के बारे में वहां उपस्थित लोगों को बताया जिसे मेक इन इंडिया के तहत प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए एक संबल के रूप में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, सरकार स्टार्टअप के लिए सहायक है और उद्योग को समर्थन का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार ने नव उद्यमियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को भी बढ़ावा देगी। हमारी कोशिश प्लास्टिक उद्योग पर विदेशी निर्भरता कम करने की है। देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है बहुत प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है अपने देश में और वर्ल्ड वाइड भी, जिसकी जरूरत आपको मॉर्निंग टू इवनिंग जिसकी जरूरत है अपने को डे टू डे रेगुलर पड़ती है। दूसरी बात यह है कि सर, आज जो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस रखा है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, जिसमें आज जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे क्षमता है जो हम बनाते हैं उसके अलावा भी देर इज़ अ गैप, वो एक गैप है कि जहाँ इम्पोर्ट होता है वो। जैसे कि आपको मालूम है 37,500 करोड़ का इम्पोर्ट हो रहा है जी, और इसमें से 50% चाइना से हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसको इंडिया में कैसे बनाएं। अभी 9 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम शुरू किया कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो हमने भी एक बीड़ा उठाया है एसोसिएशन ने और पिछले साल हमने इसका पूरा एक अध्ययन किया। NBC न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।